हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो दिन है आज थर्सडे का, तारीख है 14 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 5:30। 5:30 आज मैं उठी हूँ और चाय बनने के लिए मैंने रख दिया। तब तक बाहर मौसम में देख रहे थे भी कोई आसार है कि नहीं है, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, काफ़ी सारी चीज़ जो है वो आजकल मन में चल रही है, क्योंकि वापस वही ज़बरदस्त वाली गर्मी जो है वो हो गई है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जी, अभी जो है दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और मैं जो है घर के काम में लग गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग हाउस जो है डीप क्लीनिंग रूटीन जो मेरा होता है वो मैं शेयर करूँगी। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे जो है कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं, जैसे कल हलवा बना था शाम को, तो वो चिकने विकने हाथ जो है बेड पर लगा देते हैं, और चिकने हाथ जो है या कुछ भी जो मीठी चीज़ का जो है हाथ जो कहीं भी लगता है उससे ना चींटी आने का बहुत डर रहता है, चाहे वो बेड है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो किचन है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। तो मैंने गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि कल बच्चों ने यहाँ पर जो है बेड पे बैठ के हलवा खाया था ना, और हिमांक के एक दो जगह जो हाथ लग गए थे, तो मैंने सोचा वो अच्छे से मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। साथ में यहाँ बेड साइड में भी बच्चों ने रैपर जो है कुछ वो फंसा के रखा हुआ, और बेड के नीचे भी बहुत सारा सामान जो हिमांक फंसा के रख देता है। तो अभी जो है मेरा रूटीन जो है वो शुरू हो गया। शुरू तो वही 5:30 जो उठ जाते हैं तभी शुरू हो जाता है, लेकिन आज मैं स्पेशल आपके साथ जो है मॉर्निंग डीप क्लीनिंग रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, कि जब बच्चे जो है बात नहीं मानते ना, जगह जगह अपने मन का जो हिसाब से करते हैं। क्योंकि आज जो है मैं कल से ना चींटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान जो है मैं वो हो रखी हूँ। अच्छा जी, एक जो कमेंट आजकल एक कमेंट और आ रहा है कि आप है ना प्लीज़ जो है अपना हाउस का किचन का वो शेयर करें, टूर पूरा का पूरा। मैं ऑलरेडी जो है वो सारा हाउस का टूर शेयर कर चुकी हूँ। होम का टूर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हिमांग फैमिली व्लॉग होम टूर, हिमांग फैमिली व्लॉग किचन टूर, ऐसे करके जो है वो आप जो है सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये जो प्रेस के कपड़े कल शाम को आ गए थे, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कल हम लोग बाहर गए थे ना, तो बेड भी देखकर आए हैं और चूल्हा भी देखकर आए हैं, एक तो सामान और भी देखकर आए हैं, वॉशिंग मशीन भी देखकर आए हैं। तो जो वो भी जो भी चीज़ आज एक दो चीज़ जो लेनी है देखेंगे, एक चीज़ लेंगे या दो लेंगे। तो आज जो है मैं फटाफट उसी तैयारी में था कि फटाफट से अपने काम निपटा लूँ, निपटाने के बाद मुझे मार्केट की तरफ जो है वो निकलना है हिमांग के पापा के साथ, तो बस उसी काम में मैं लगी हूँ। और सुबह सुबह ना घर बच्चों के उसमें ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, एक तो ये चारपाई डेली दूसरे रूम में जाती है, इसकी वजह से तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फिर वही ना डेली ही चारपाई उधर जाती है, फिर वापस सेट होना सेट करना पड़ता है। एक जो है क्योंकि इस रूम का यूज़ या तो बच्चों की पढ़ाई में होता है, या फिर मतलब कोई ख़ास जैसे कपड़े वगैरह होते हैं बनाने होते तब यूज़ होता है, बच्चे सोते तो दूसरे रूम में ही, खेलते भी दूसरे रूम में ही हैं, क्योंकि उस रूम में एसी जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, एक ना मेरे वाले चैनल पे ना कमेंट आया था कि आप ना बहुत ड्रामा करती हो व्यूज़ के लिए, काम तो आपके घर में है ही नहीं, काम आप करती ही नहीं हो। पता नहीं क्यों उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, करके सारे काम मैं करती हूँ, मेरे घर में कोई हेल्पर नहीं है। क्योंकि कमेंट आए थे, आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट ये चीज़ पे आ रहे हैं कि आप अपने लिए हाउस हेल्पर लगा लो। डियर, मैं तो देखो मैं लगाने को लगा लूँ, हिमांक के पापा बोलते हैं कि लगा लो, लेकिन पता क्या होता है फिर मैं क्या करूँगी, तीनों टाइम का खा अपने आप को, फिर ना मेरी बॉडी को ये महसूस होगा तो खाना बनाने के अलावा और किसी काम की है ही नहीं, तो ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। और पता है जितना शरीर काम करने से एक्टिव रहता है ना, उतना जो है लेटे लेटे एक्टिव नहीं रहता, कहीं आपकी पेट निकलाएगा, पेट निकला मोटापे से क्या होता है ना, फिर वही बीमारियाँ जो है शरीर में वो फैलती हैं, बीमारियाँ फैलती है, फिर डॉक्टर्स के पास भागो। इससे अच्छा ये है ना कि आप जगह जगह इतनी जगह पैसा लगाओगे, खुद बीमार होगे तो इतना कुछ होगा, इतनी परेशानी होगी, बच्चों को परेशानी होगी, घर वालों को परेशानी होगी। इससे अच्छा यही है कि आप ना घर के काम कर करके भी आप फिट रह सकते हो, जैसे मैं अपने आप को रखती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, अपने आप को फिट भी रखती हूँ। मैं कहीं जिम नहीं जाती हूँ, कहीं वॉक करने नहीं जाती हूँ, कहीं कुछ नहीं जाती हूँ, अपने घर के काम ही करती हूँ। और पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, आज मेरा वज़न सिर्फ 60 किलो है, पहले मेरा 70 से 75 किलो था, जो मैं अपना वज़न जो है वो कम कर चुकी हूँ सिर्फ घर के काम करके। और मैं क्या करती थी पहले, सिर्फ जैसे खाना खाती थी ना, जैसे मैंने सुबह खाना खाया, दोपहर को खाया, शाम को कुछ भी खाया, तुरंत एक बॉटल में एक भरी रखती थी पानी की, गर्म पानी की, और एक जो चाय का कप होता है ना वो जितनी चाय का एक कप लेती, या बॉटल के ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन आता है ना, बॉटल के ऊपर जो ढक्कन आता है
वो वाला ढक्कन मैं भर लेती थी और कुरला भी मैं बाद में करती थी सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते ना सिप सिप करके घुट घुट करके, ऐसे ही मैं वो पानी पीती थी। और घर के कामों से सिर्फ इन दो चीज़ों से मेरा वज़न जो है इतना जो है वो टूट गया, अदरवाइज़ मैं हद से ज़्यादा मोटी हो गई थी। बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जानते भी हैं कि मैं पहले बहुत ज़्यादा मेरा वज़न हो गया था, मैं बहुत मोटी थी। और बस यही है जी, अपने आप को फिट रखने का एक तरीका होता है जब आपके पास टाइम भी नहीं है ना जिम जाने का ना कहीं और, तो मैं जो भी बनता है ना हम ज़्यादा ऑयली खाते हैं ना हम ज़्यादा बाहर का कुछ खाते हैं, कभी कभी जो है वो मंगवा लेते हैं महीने दो महीने में एक बार, अदरवाइज़ हम बाहर का भी बहुत कम खाते हैं। अब आप बारी आती है ड्राॅइंग रूम की, अब आप ही सोचोगे ड्राॅइंग रूम में इतना सब कुछ जो है वो कैसे फैला हुआ है। एक्चुअली कल क्या हुआ था, हिमांग ने कुछ खा के पता नहीं दिन में कब क्या मुझे नहीं पता, हिमांग ने ना कुछ गिरा दिया था जिसकी वजह से ना सोफ़े पे चींटियां चढ़ गई। और ये पता चला मुझे शाम को जब मैं सोफ़े पे फ़ोन पे बात करते करते ना सोफ़े पे बैठी, पहले मेरे ऊपर एक चींटी चढ़ी फिर दूसरी चढ़ी फिर उसने काटा। भाई मैं का सिस्टम क्या चल रहा है, ये बार बार इतनी चींटियां कहाँ से। फिर मैंने एक एक चीज़ को झाड़ा देखा तो एक लाइन में लगातार जो है उस पर चींटियां जो वो चल रही थी। फिर शाम को मैंने इस पर लक्ष्मण रेखा लगाई, यहाँ के सोफ़े के कवर मैंने बाहर सुखा के रखे, सारी रात मैंने बाहर छोड़े हैं, तो वो फिर यहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा लगाई थी ना अब उसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। और चींटियाँ वगैरह क्योंकि धूल मिट्टी इतनी थी नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही जो है वो साफ़ किए थे। लक्ष्मण रेखा लगती है ना तो उसको भी अग्नि अक्षर से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो क्या है ना हिमांग बच्चा उसको पता नहीं है वो चाट भी लेगा, उसको दिखाना कुछ ये कुछ क्या लगाओ वो टेस्ट ज़रूर कर लेगा। और हिमांग के साथ ये वाला जो है सिस्टम है, तो मैंने इसको अच्छे से सारी गद्दियाँ निकाल दी थी और इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। वैसे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि जो है हवा लग जाए अच्छे से। और जो गद्दियों को मैं अगर धूप निकली तो धूप जो है दिखा दूंगी, और धूप का ना कुछ कह नहीं सकते। एक बार तो हल्की तेज़ धूप निकल रही है, हल्की हल्की तेज़ जो होती है ना मीठी मीठी धूप होती है वो निकल रही है, एक बार मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है। मौसम ठंडा ज़रूर हो रहा है लेकिन जो है गर्मी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बस ये था, मैं अभी जो है मैंने ड्राॅइंग रूम का भी सारा काम निपटा लिया, गद्दियाँ एक लाइन में मैंने लगा दी है। ये काम करते करते तब तक जो है 9:15-9:30 का टाइम हो गया था और दूध वाले भैया भी जो है वो आ गए थे। और आज जो है नाश्ते में क्या था, मैंने बच्चों का लंच वगैरह बना के दे दिया था, नाश्ता करा दिया था, लेकिन ना तो मैंने अपना बनाया था ना ही मांग के पापा का बनाया था, क्योंकि ये था कि हम लोग बाद में खा लेंगे, सबसे पहले जो है मैं आज ही अपना डीप क्लीनिंग का काम जब वो कर लेती हूँ, क्योंकि क्या चींटियाँ जब आनी शुरू हो जाती है ना तो फिर भाई बहुत सारा नुकसान जो है वो कर देती है। और एक चींटी अगर मान लो लड़ भी गई ना बहुत ज़बरदस्त भाई बच्चे को तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। और तो मैंने सबसे पहले डीप क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू किया। मैंने सुबह ना एक गिलास जूस पी लिया था, ऐसा ही नहीं कि खाली पेट में लगी हुई, एक गिलास जूस जो वो मैंने पी लिया था। और यहाँ पर मैं तड़का लगाऊंगी तब, और मैं क्या करने वाली हूँ, सुबह आटा मैंने एक्स्ट्रा लगा के फ्रिज में रख लिया था सुबह ही कि मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी और हिमांग के पापा का बनाऊंगी, तभी जो है उसको फ्रिज से बाहर निकाल लूंगी। अभी लग रहा है यहाँ तड़का, जब तक जो है तवा वगैरह मैं धो दूंगी और साथ साथ में तड़का लगता रहेगा और जो है मैं रोटियाँ सेकती रहूँगी। अच्छा तवा मैंने थोड़ी देर के लिए इस पर रखा है गर्म होने के लिए, इसको धुलूँगी। गर्म तवे को मैं इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि क्या होता ना सुबह एक एक बच्चों का पराठा सेका था तो तवा जो है वो चिकना सा हो गया था, गर्म चीज़ जब गर्म करते हैं ना तवे को तो चिकनाई जो है वो पिघल जाती है, जिससे क्या होता है ना फिर तवा काफ़ी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाता है। तो बस जब तक ये तड़का हमारा होगा उबलता रहेगा तब तक मैं रोटियां जो है वो सेक लेती हूँ, क्योंकि मतलब वही होता है ना कि फटाफट जब आपको कहीं जाना है निकलना है और एटलीस्ट 3 दिन की छुट्टियों में एक काम तो हमारा ये और काम ना हो पाए तो कम से कम एक काम तो निपटाएं हम लोग, ये था। क्योंकि पता है और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं बच्चों के साथ जाकर मतलब नहीं कर सकती थी, अकेले मैं चली तो जाऊँ लेकिन फिर बच्चों को किसके पास छोड़ूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ये भी हो जाती है। और मॉर्निंग का जो रूटीन होता है हम लेडीज़ का, हम औरतों का ना सबसे ज़्यादा मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, इतना दोपहर का भी नहीं होता ना इतना रात का होता है, लेकिन मॉर्निंग का जो रूटीन बिजी होता है ना हम औरतों की ज़िंदगी का, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा एक हैवी वो हो जाता है कि लगातार 5-6 घंटे काम करूँ,
लगातार आप ये कह सकते हैं 5 से 6 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का काम ख़त्म होते तुरंत जो है वो नहाए दो, उसके बाद तुरंत बाद जो है लंच वगैरह बनने का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जिसके घर में छोटे बच्चे उनकी बस जो है वो जल्दी आती है, किसी की 12:30 आती है, किसी की 1 आती है, किसी की 1:30 आती है, बड़े बच्चे हैं तो बस 2:30 बजे 2:15 बजे मतलब 2 बजे बसे आनी जो वो शुरू हो जाती है, तो उससे पहले लंच वगैरह का काम जो है वो भी निपटाना पड़ता है, इसलिए लगातार हमें इतना सारा जो है वो टाइम मिल जाता है। अभी जो खाना वगैरह बना के मैंने खाना खा लिया था और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करके जो मैं जो है फिर हम लोग निकलेंगे स्लैब वगैरह साफ़ करके। ये था एटलीस्ट कम से कम हमारे ये काम, क्योंकि सुबह का मेरा सारा काम जो है मॉर्निंग रूटीन का मेरा ख़त्म हो गया था। बस गद्दियाँ वगैरह मैंने सोफ़े पर नहीं लगाई थी, क्योंकि उनको ये था कि थोड़ा सी हवा लग जाए ना अच्छे से, मतलब जो है तो फिर चीटी वीटी कुछ आएगी नहीं। और मैंने लक्ष्मण रेखा से वैसे भी डीप क्लीनिंग लगाने के बाद कल रात को लगाई थी, एक डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने आज वो कर दिया। बर्तन वगैरह साफ़ करके अभी मैं फटाफट से गैस साफ़ करूँगी, और आज ये गैस का आई थिंक लास्ट दिन होगा इस वाली गैस का। कल से हम जो शुरुआत करेंगे एक नई गैस पर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और पूरी कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे 4 बर्नर लेना, 4 बर्नर चूल्हे को चेंज कर लेना, 3 बर्नर के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। तो अभी दुकान पर जाकर देखते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू सो मच।